बीते कल में इस दुनिया में दोस्तों ऐसे अजीबोगरीब घटनाएं हो चुकी है जिसे जानकर आप दंग रह जाओगे। दोस्तों रूस में 1940 में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ था जिसे आज भी कोई भुला नहीं पाया। अगर आप गूगल पर इस एक्सपेरिमेंट के बारे में सर्च करोगे तो आपको कई सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी है और इस कहानी के बारे में लोगों की अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट के बारे में रशिया की सरकार ने सरासर इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी कई लोग इस बात को सच मानते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस एक्सपेरिमेंट के बारे में। दरअसल इस एक्सपेरिमेंट का नाम था रशियन स्लीपिंग एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट में साइंटिस्ट ने 5 कैदियों को अपने रिसर्च का हिस्सा बना लिया था, जिसके मुताबिक इस एक्सपेरिमेंट के बाद उन कैदियों को छोड़ दिया जाना था और इनकी जितनी भी सजा थी उसको माफ कर दिया जाना था। और इस रिसर्च के लिए वो 5 कैदी 30 दिन तक बिना सोए रहने के लिए राजी भी हो गए थे, जिसके बाद उन्हें एक एयर टाइट चैम्बर में बंद कर दिया गया। और उन 5 कैदियों को चैम्बर में बंद करने के बाद उस चैम्बर में एक ऐसी गैस भर दी गई जिस वजह से उन कैदियों को नींद ना आए। और शीशे के दूसरी तरफ से साइंटिस्ट इस एक्सपेरिमेंट को होता हुआ देख रहे थे, जिसमें उन्हें इस बात पर रिसर्च करना थी कि आखिर इंसान की बॉडी पर क्या परिणाम होते हैं अगर वो 30 दिन तक बिना सोए रहे। शुरू के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक रहा, वो 5 कैदी बिल्कुल नॉर्मल दिखाई दे रहे थे और उन लोगों पर साइंटिस्ट अपनी कड़ी निगरानी जमाए हुए थे और उन्हें बाहर से ऑब्जर्व करने का काम कर रहे थे। लेकिन एक हफ्ते के बाद उन कैदियों में कुछ बदलाव देखे गए। हफ्ते के आखिर में उन कैदियों ने आपस में बात करना बंद कर दिया। कभी वो कैदी चुपचाप बैठे रहते और कभी खुद ही से बात करना शुरू कर देते। और इस दौरान एक कैदी बहुत जोर से चिल्लाने लगा और पूरे चैम्बर में दौड़ने लगा। दोस्तों वो इतनी जोर से चीख रहा था कि उसकी वोकल कॉर्ड जख्मी हो चुकी थी। और हैरानी की बात ये थी कि बाकी कैदियों को इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बाकी के कैदियों को सब कुछ नॉर्मल दिखाई दे रहा था। जिसके बाद इस एक्सपेरिमेंट को रोकने की भी कोशिश की गई। कई रिपोर्ट में ये बात भी लिखी जाती है कि वैज्ञानिकों ने इस एक्सपेरिमेंट को बीच में ही रोकने का फैसला ले लिया था। 15वें दिन कैदियों को सोने से रोकने के लिए जो गैस दी जाती है उसे बंद कर दिया गया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसके बंद होते ही एक कैदी की उसी वक्त मौत हो गई और बाकी 4 कैदी जोर जोर से चीखने लगे और वो चिल्लाकर एक ही बात कहते थे कि हमें आजाद मत करो, हमें यहीं बंद रहने दो। जब वहां पर मौजूद वैज्ञानिकों ने उन कैदियों को गौर से देखा तो वो दंग रह गए। उन्होंने देखा कि उन बाकी के कैदियों के शरीर से मांस गायब था और जगह जगह नोचे जाने के निशानात थे। ऐसा लगा मानो वे एक दूसरे को खाने लगे थे। और जिसके बाद उन कैदियों ने बाहर आने से इनकार कर दिया। वो अजीबोगरीब किस्म की हरकत करने लगे थे। और इस बात पर जब कैदियों से पूछा गया कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं, तब उन सभी कैदियों ने एक सा जवाब दिया कि हमें जागे रहना है। कैदियों की इन खौफनाक हरकतों को देखकर वहां पर मौजूद साइंटिस्ट काफी डर गए। उन्होंने सोचा कि इन कैदियों को अब मार देना चाहिए, लेकिन कमांडर ने इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखने के लिए कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, उस कमांडर ने कहा कि साइंटिस्ट को इन कैदियों के साथ रहना चाहिए ताकि वो इनको बारीकी से ऑब्जर्व कर सके। जिसके बाद कहा जाता है कि एक साइंटिस्ट ने उस ऑर्डर देने वाले कमांडर को ही गोली मार दी थी और इसके बाद उसने वहां पर मौजूद सभी कैदियों को मारकर सारे सबूत मिटा दिए। लेकिन क्या है इस कहानी का सच? अगस्त 2010 को ये कहानी काफी वायरल हुई थी पूरे इंटरनेट के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट के ऊपर सभी की राय एक जैसी नहीं है। कई लोग रशिया की गवर्नमेंट के दिए गए स्टेटमेंट की वजह से इस बात को गलत मानते हैं और कई लोग इस बात को सच मानते हैं। इस बात को ऑरेंज सोडा नाम के एक यूजर ने creepypasta.com वेबसाइट के ऊपर पोस्ट किया था और इस घटना से जुड़े उसने कई सारे एविडेंस भी इस वेबसाइट पर पोस्ट किए थे, लेकिन कुछ समय बाद इस जानकारी को इंटरनेट से डिलीट कर दिया गया था। अगर ये कहानी झूठी है तो इस कहानी से जुड़े सबूतों को मिटाने की चिंता क्यों? फिर भी इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पूरे तौर से सच्चाई किसी को नहीं पता। लेकिन हाँ, चाइना और जापान जैसी कंट्री में इस तरह के कई खौफनाक एक्सपेरिमेंट किए जा चुके हैं। आप खुद ही सोचिए, दवाइयों के फायदे और उनके नुकसान को देखने के लिए बिना एक्सपेरिमेंट के इस बात को साबित करना बहुत ही मुश्किल है। कौन सा जहर इंसान की बॉडी पर कितनी देर में और क्या असर करता है, इस बात को देखने के लिए कई कंट्रीज में इस बात की रिसर्च पर इंसानों पर एक्सपेरिमेंट हो चुके हैं, लेकिन कई दफा गवर्नमेंट द्वारा इस बात को छिपाया जाता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मैं हूँ आपका दोस्त ताबिश, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में।